अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फूडीज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड प्रोफेशनल फूडी अज़का सैफ। आज हम आपको जहाँ पे लेकर जा रहे हैं, इट इज़ ईजिली वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड रेस्टोरेंट्स इन लाहौर और इसकी लोकेशन है एकदम आइकॉनिक। टूरिस्ट्स और लोकल्स का है ये फेवरेट स्पॉट क्योंकि यहाँ पे मिलता है बेहतरीन देसी खाना और साथ ही साथ एक ऐसी व्यू जिसका कोई जोड़ नहीं, जो कि एकदम है अनपैरेलल्ड। अब मैं क्या सस्पेंस रखूं, मैं बात कर रही हूँ हवेली रेस्टोरेंट की, लोकेटेड इन फूड स्ट्रीट विच ट्रूली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हम इंजॉय करेंगे मज़ेदार तरीन देसी खाना और साथ बादशाही मॉस्क की व्यू, और अगर मौसम हो इतना बेहतरीन और इतना हसीन तो क्यों ना हो जाए मज़ा दोबाला। तो चलें, लेट्स नॉट वेट एनी मोर, हम मिलते हैं आज के फूडी से और उनको लेकर चलते हैं हवेली रेस्टोरेंट की जानिब। आई एम ज़ारा भट्टी, अ बिजनेस वुमन एंड अ फूडी टू। आई एम द ओनर ऑफ बेविस्टा हाई इंटरनेशनल और फूड मॉब की तरफ से आज मुझे बुलाया गया है। फूड मॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डाइवर्सिफाइड वॉक ऑफ लाइफ से लोग आकर डिफरेंट फूड एक्सपीरियंस करते हैं और अपना फीडबैक्स पे शेयर करते हैं। सो अब हम लाहौर में आए हैं और लाहौर के भी कुछ कलर्स हम देख चुके हैं और आज हम कुछ नया मज़े का टेस्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान। बाय प्रोफेशन मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो लाहौरियों के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि लाहौरी जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। तो फूड मॉब की तरफ से अब मुझे मौका मिला है यहाँ हवेली रेस्टोरेंट पे खाना खाने का, तो मैं अभी आज यहाँ पे खाना खाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और इसके बारे में आपको मज़े के रिव्यूज़ भी दूँगा। हे अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफसा अज़र और मैं फैशन, फूड और लाइफस्टाइल की ब्लॉगर हूँ। आज मुझे फूड मॉब ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है एक सेलेब्रिटी फूडी बनने का, और अभी तो मेरे मुंह से भी से पानी आना शुरू हो गया कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ। और ऑब्वियसली सबको ही, मतलब ख़ासतौर पर ब्लॉगर्स को होता है कि हम लोग कैसे लाइक्स करें, लाइक्स गेन करें और कैसे फॉलोअर्स गेन करें, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकती हूँ। सो लेट्स सी आज वो क्या क्या खिलाते हैं मुझे, और मैं ऑब्वियसली रिव्यू तो आपके सामने ही दूँगी मैं कैसा रिव्यू है उसका, खाना कैसा है। उफ, मेरे भी मुँह में पानी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमान अली खान, आई एम अ फूड ब्लॉगर, आई एम आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल शेफ़ डिग्री होल्डर और बीइंग अ फूडी, बीइंग अ लाहौरी, आज मुझे फूड मॉब की तरफ से इनविटेशन आया। मैं यहाँ पे फूड के रिव्यूज़ दूँगा, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Are you guys ready? Yes. Let's go, guys. आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हवेली रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। So beautiful. Wow, look at that. Wow. We are in Haveli finally. Wow. Yes. It's just exactly like Haveli. Wow. So look at the rooftop. Beautiful. So traditional. And can you see this carving? I mean, so beautiful. चलें फिर ऊपर चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। एग्जीक्यूटिव शेफ इफ्तेखार हमारे साथ हैं हवेली रेस्टोरेंट के। तो सर बताइए हमें कि क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्विजीन्स हैं यहाँ पे। देसी खाना तो बहुत पॉपुलर है ही हवेली में, जो है ओवरऑल जितना पाकिस्तान का जितना फूड है मुख्तलिफ इलाकों का वो हमने चूज़ ही किया हुआ है। तो जो भी आए, बलूचिस्तान है, सिंध है, कराची है, पंजाब है, पेशावर है, उसको हमने कोऑर्डिनेट करके जो है टोटल ये हुआ एक ही छत के लिए ओवरऑल जो हमने जो छत इसके नीचे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज भी हमारे पास, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल भी होता है। मेरे तो पेट में अभी से क्यों नहीं, आपको ट्राई कराएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ की स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्या है? हमारे उसमें बारबेक्यू है, उसमें चाय, कोई स्पेसिफिक चीज अगर मैं पूछूं कि कोई एक डिश जो बहुत ज्यादा जो है आपकी पसंदीदा डिश है? मोस्टली जो है ना बारबेक्यू, जो है बारबेक्यू है, उसमें रेशमी कबाब बहुत हमारा फेमस है। रेशमी कबाब, अरे यम्मी, सो माउथ वाटरिंग इट इज, चांप जूसी थिंग दैट वी कैन हैव इन बारबेक्यू इज रेशमी कबाब, नो डाउट, एंड इट्स स्टार्विंग विदाउट एनी डाउट। आप लोगों के कोई सवाल आते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज जो बनाते हुए आप बहुत एंजॉय करते हो? वैसे तो सब कुछ बनाते हुए आप खाना एंजॉय करते हैं। मुझे फिश और प्रॉन में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे भी फिश बहुत पसंद है, बनाने में इतनी पसंद नहीं है लेकिन खाने में बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैंने जब भी यहाँ हवेली रेस्टोरेंट विजिट किया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर 10-15 फॉरनर अंदर आते होते हैं। मोस्ट होते हैं। ओवरऑल हम दे रहे हैं खाना, उसका स्पाइस को हम हटा के, ठीक है, लो स्पाइस में करके उनको मैनिफेस्ट करके उनको कस्टमर को जो हम सर्व कर रहे हैं। इनको भी फॉरेनर्स वाला खाना दीजिएगा, ये देंगे, ठीक है। अभी हमें फॉरेनर्स वाला और मुझे खाना फॉरेनर्स, इनका फॉरेनर्स वाला ही मिलेगा आपको, स्पाइस हटा के, ठीक है। भूख पहले से भी तेज हो गई, आ रही है ना सारी मजे मजे की। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप लोग आप खाना प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब कब और कैसे? एकदम मॉर्निंग हमारी जो शिफ्ट पहले आती है 11 o'clock आती है, 11 o'clock से शुरू करते हैं। वाओ, लंच को प्रिपेयर करके 1 o'clock स्टार्ट कर देते हैं, 1 o'clock तक चलता, और फिर कंटिन्यू चलता रहता। अरे वाह, मैं यहाँ पे पता चलता है कि सब कितना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से मजेदार प्यार से खाना बनाते हैं, बहुत मतलब, और एसओपी भी फॉलो हो रहे हैं। किचन हैंडलिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और आप हमें अच्छा सा फूड और वो फॉरेनर्स वाला स्पेशली इनको फॉरेनर्स वाला ही देना है। और जो प्रॉन्स आप कॉक से बनाते हैं ना, वो मुझे रेशमी कबाब चाहिए। अब चलते हैं, हम किचन से निकलते हैं, इनको इनका काम करने देते हैं और हम वेट कर रहे हैं आपके मजे के खाने। ये जो सूप है हॉट सूप, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी है, एग भी है, यस देयर इज कैरेट, देयर इज कैबेज, वेरी ठंडा मीठा माहौल हो गया, गर्मा गर्म माहौल हो गया। पंजाबी में कहते हैं चस आ गई है, चस आ गई है, ये वो चीज है। बादशाही मॉस्क राइट बिहाइंड मी, बहुत अच्छे, वो तो देखो, अरे कितना प्यारा एम्बियंस है, और इसका बहुत अच्छी ठंडी हवा चली और साथ हीटर का कॉम्बिनेशन, हां ना, बिल्कुल सही कहा, ठंडा मीठा माहौल हो गया, ठंडा मीठा, एग्जैक्टली। लाइव म्यूजिक ने तो मजा दुबाला कर दिया है इस व्यू का, मतलब एक ट्रेडिशनल व्यू और इसके साथ लाइव म्यूजिक, मतलब लेकिन सही टेस्ट जो असल इम्तिहान होगा खाने का, जिसके लिए हम यहाँ हैं। तो नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं अपनी टेबल पे, पीछे है हमारे बादशाही मॉस्क और मौसम है एकदम सुहाना, साथ ही साथ है लाइव म्यूजिक। हवेली रेस्टोरेंट का सही इम्तिहान होगा इसका खाना, ठीक है। तब मिलेंगे पूरे मार्च। वालेकुम सलाम, आप हमारा ऑर्डर लेने के लिए आ भी गई? आप मुझे बताएं, स्टार्टर्स में कर लेते हैं हम हॉट सूप, क्योंकि मौसम है ठंडा ठंडा, थोड़ा सा हीटर भी लगा हुआ है, एक हॉट सूप और साथ डीप फ्राइड प्रॉन्स। पसंद है? सब प्रॉन्स खाते हैं? चलो ठीक है, आप बताइए। ऑर्डर करूँगी मलाई बोटी और रेशमी कबाब। ओके, रेशमी कबाब तो उन्होंने कहा भी था है यहाँ, रेशमी कबाब हमारे बहुत अच्छे। I go for grilled trout fish. Trout fish? Grilled trout fish. Okay. and keep it a little juicy. Okay. I can't wait. It's still mouth watering. I can't wait. मेरा आप कीजिए राजस्थानी चिकन हांडी. Okay. बस ये मेरा राजस्थानी हांडी ओके करें आप. Okay. आप बनाइए. देसी क्योंकि मैं देसी लवर हूँ. ओह. लाहौर में आए हैं तो देसी ना खाएं. देसी ना खाएं. इनका हवेली स्पेशल मटन है और विद शाही नान गर्मा गर्म सर्व प्लीज. और मेरे ख्याल से आप एक कर दें ब्रेन मसाला भी. मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग डिश होगी. ठीक है ट्राई करते हैं. अपने डीलिंग से करना चाहूँ. डील कोई नहीं हो रही. जो डील करेगा वो आउट हो जाएगा. सीधी साफ बात है ना. ये सबका शेयर गुड. ये है ना पीस लव. बस थैंक यू सो मच. ड्रिंक्स सॉरी ड्रिंक्स में का ऑर्डर बता दीजिए. पीना कोलाडा राइट मैम. मिंट मार्गरेटा. ओके मिंट मार्गरेटा. ये आपने डिजर्ट में क्या लेना है? डेजर्ट में क्या क्या है? कुल्फी है, फिन्नी है, गुलाब जामुन है. मेरे लिए कुल्फी कीजिएगा. ठंडी ठंडी कुल्फी. ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय होगा. आप बताओ. मेरी भी आप कुल्फी कर दीजिएगा क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड को ठंड मारेगी मेरे ख्याल से. ओके राइट प्लीज एंड आई विल हैव ठीक ओके कुल्फी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं. हमने अपना डिजर्ट भी ऑर्डर कर दिया है और पेट में जोरों से चूहे दौड़ रहे हैं. जोरों की भूख लगी हुई है हम सबको. लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में खाना यहाँ पे होगा. यार खबर मिली है. कौन सी खबर? क्या खबर? मुझे व्हाट्सएप आया है कि आपका खाना कुछ ही देर में आ रहा है. कुछ ही देर में मेरे ख्याल से आ चुका है. आ गया। तो चीना श्रीना आपको बताते चलें कि हमारे प्रांस आ चुके हैं और देखने में बहुत मजे के लग रहे हैं. हमारे स्टार्टर्स हैव अराइव्ड गाइस. ओह माय गॉड दे आर हियर. लेट्स आई कांट वेट. वाओ ब्यूटीफुल. लेट्स टेक इट आउट. विल हैव दिस. चले विल हैव दैट. ये तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है. फ्रेशली फ्राइड soup भी आ रहा है. We are waiting for the soup. Thank you. So yummy. Smells good. Smells so good. Smells so good. It smells so good. क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ इसकी मैं पिक्चर ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता. Picture. Yes. Need to take the picture first. खाइए शुरू कीजिए. ओके पहली बाइट ले ली जा रही है. सो क्रिस्पी. क्रिस्पी भी है, हल्का फुल्का स्पाइस भी है. इतना मजे का उसका टेस्ट है. और हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं. हमारा सूप भी मेरी आंखों के सामने है. डील कर लेते हैं. डील कर रहा हूँ मैं इसके साथ. ओके मैं इसको अपने वाले में से ज्यादा दे दूंगा लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं खाऊंगा. ठीक है आपके लिए कुर्बान. बहुत शुक्रिया सर आपका. अपना प्लेटर कुर्बान कर इन्होंने उनका प्रॉन चोरी कर लिया क्योंकि मुझे चलो कोई बात नहीं. वैसे ही बहुत मजे का लगता है. लेकिन प्रॉन की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्पाइस है, क्रिस्पी है, बहुत मजे का है. सब कुछ इक्वल है क्योंकि मेरे दोस्त बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से परफेक्टली कुक्ड है और काले मिर्च की एक हिंट ऑफ काली मिर्च है व्हिच गिव्स यू अ किक. बिल्कुल एम आई राइट गाइस. लाइट है बिल्कुल और बहुत ही जूसी है. परफेक्टली टेंडर्ड. मैं नुमान का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि ये मेरा बडी है, मेरा दोस्त भी है, फूडी भी है और कुर्बान कर दिया मैंने और इसका वोट मैं जरूर कहूँ. आपकी कुर्बानी फूड मॉब हमेशा हमेशा याद रखेगी. और सूप तो वैसे भूख और बढ़ा देता है. और मैं अपने सूप में शशका डालते हुए बीइंग अ शेफ वो अपनी रेसिपी उसमें ऐड कर रहे हैं. उन्होंने अपना टच दे दिया. मजे की बात मैं खाने में इतना खो गया. आप लोगों ने क्या बोला मुझे कुछ पता नहीं लगा. दैट इज द बेस्ट पार्ट. वाओ ये जो सूप है हॉट सूप इसमें वेजिटेबल्स भी है, एग भी है, यस देयर इज कैरेट, देयर इज कैबेज, very hearty soup. It's very rich. Yes. Very healthy. Very healthy. Very hearty. Yes. एक टच आ गया इसका. स्वाद आ रहा है अंदर से सूप ने हमें गरम कर दिया, गरम कर रहा है और हम इट हैज वार्मड आवर बेलीज, मतलब फीलिंग्स ठंडा मीठा माहौल हो रहा है, ठंडा मीठा माहौल हो गया, गर्मा गर्म माहौल हो गया. पंजाबी में कहते हैं चस आ गई है, चस आ गई है, ये वो चीज है. आपको चस आ गई, चस आ गई है. कॉम्बिनेशन बहुत फिट है, वाकई में बहुत मजे का लग रहा है. चटनीज के साथ भी जरा ट्राई करें. हमारे पास 3 डिफरेंट सॉसेस हैं. अरे इससे भरा नान नहीं दे यार, कमाल. ये आपका शाही नान है. बिल्कुल. जो इसकी नान की आप खास बात ये देखेंगे 3 लेयर्स में है. यहाँ पर हाफ यहाँ पे लगे हैं हुआ है धनिया, सबसे ऊपर गार्लिक है, फिर कलवंजी वाला है, फिर धनिया कलवंजी एंड देन सेसमे सीड्स और ये नीचे कीमा लग रहा है मुझे. अच्छा, मैंने इतना बड़ा नान तो देखा है लेकिन कभी ऐसा बना हुआ नहीं देखा, बिल्कुल भी ऐसा बना हुआ नहीं देखा. खूबसूरत है और गर्म है और ये अरेबिक थीम वाला नान है. इसकी रेसिपी पूछ के जाइए मुझे प्लीज, मैंने ऐसा नान कभी नहीं खाया. ओहो, सिजलिंग प्लेट, सिजलिंग प्लेटर के ऊपर गर्मा गर्म हमारे पास कबाब आ चुके हैं. बिल्कुल, एंड यू कैन सी दैट सो यमी रेशमी कबाब. ओहो, खुशबू, काश आप लोग हमारे साथ इसकी खुशबू भी एक्सपीरियंस कर सकते. और ट्राउट फिश, हाँ, और ट्राउट फिश है. सी पूरी एक पूरी यहाँ पे ट्राउट फिश प्लेटर है. वेरी कलरफुल, वेरी लवली, वेजिटेबल्स भी है, फ्राइज भी है. बिल्कुल, एंड इट्स वेरी मजेदार. अब आप ये देख सकते हैं कि ये मलाई बोटी जो है ये इतनी परफेक्टली टेंडर्ड है कि बस एक फोर्क से ये सो जूसी, और इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, बहुत, और जूसी, कितना जूसी है वाकई में. और ये ऐसे इतना आराम से टूट रही है हाथ में, ऐसे लिटरली लाइक मलाई टूट रही है. आप थोड़ी सी जाते ही घुल गई है. बिल्कुल, आप थोड़ा सा ये ऑनियन आया इसके साथ जो, इसको थोड़ा सा लें और इसका कॉम्बिनेशन बहुत फिट है, वाकई में बहुत मजे का लग रहा है. चटनीज के साथ भी जरा ट्राई करें. हमारे पास 3 डिफरेंट सॉसेस हैं. इतना आलू बुखारे की चटनी, आलू बुखारा, और साथ में हमें 4 मगज भी नजर आ रहा है. वाओ, लवली, सो परफेक्टली मैरिनेटेड, बहुत फिट लग रही है. ये देखने में इतनी फिट लग रही है, मैं अब दिखा नहीं सकती आपको, लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ और मैं खा के बताती हूँ और मुझे भी ट्राई कराएं. अच्छा, ये पूरे आलू बुखारे भी डले हुए हैं इसके अंदर. वेरी नाइस. ये किसी ने ट्राई की है? ये मैंने अभी डाली है लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं की. इमली की आई थिंक. इमली की यार, ये कितना अच्छा है. कैसा लगा आपको? बहुत मजे का, ये कितना रिफ्रेशिंग बहुत है. ये रेशमी कबाब किसने मंगवाया? मैंने. यार दाद देनी पड़ेगी इसको, शेफ को भी देंगे लेकिन इसको देनी पड़ेगी कि इसने ये ऑर्डर कर दिया, ना करते तो एक बहुत मजे की चीज मिस हो जाती है हमसे. बहुत मजे का, टेस्ट करो, बहुत मजे का. मैं टेस्ट करने लगी हूँ कैसा है. बहुत कमाल है, बहुत टेंडर और बहुत जूसी है, बहुत जूसी. ये भी बिल्कुल मलाई बोटी के मुंह में घुल रही है. वाकई में शेफ ने बहुत ही अच्छी चीज रेकमेंड की. चटनी के साथ ट्राई करो, बहुत मजे का लग रहा है. नो वंडर ये इतना पॉपुलर है. इट इज रियली यमी एंड इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ. बहुत मजे का, सो यमी. मुझे खाना इतना मजे का लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं चुप करके खाऊं. लेकिन ये भी तो देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन मसाला है, मटन कढ़ाई है हवेली स्पेशल, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये क्या राजस्थानी हांडी भी है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा जरूर लीजिएगा और ट्राउट को भी इग्नोर ना कीजिए। अच्छा, सबसे खास बात ये देखो कि ये जो उन्होंने सर्विंग की है इसके नीचे आप देखिए फ्लेम उन्होंने रखा हुआ है which is really good, ताकि ठंडा ना हो। अच्छा, नान के साथ खाएं प्लीज। हाँ, अब हम ये नान मजे की ट्राई करने जा रहे हैं। मैं आपको कौन सा चाहिए पार्ट? गार्लिक चाहिए। गार्लिक और मुझे मसाला। हाँ, ओके। यानी कि ऑथेंटिक देसी तरीके से हम लोग खा रहे हैं, नान तोड़ के एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि हम बूढ़ी है, हमें इतना फॉर्मल होके नहीं खाना चाहिए, हमें दबा के खाइए प्लीज। जब नान की बारी आई है मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। ये राजस्थानी चिकन हांडी, लुक एट दैट, क्रीमी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स, लगी राय के होगी। I can't wait to taste it. Actually, I'm going to have some right now. मैं थोड़ी सी अभी ले रही हूँ ताकि मैं आपको टेस्ट करके भी बता सकूँ। प्लीज आप लोग भी लेना। और ये मटन कढ़ाई, नान बहुत सॉफ्ट है इनका। हर नान का अपना फ्लेवर, इनका जो हर पार्ट्स का अपना फ्लेवर आ रहा है। क्या इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है ब्रेन मसाला में? देखें, एक तो ब्रेन के जो चंक्स है ना वो प्रॉपर फॉर्म में है। अब ये देखिए ये कितने आराम से पूरा ये नाइफ हमारी अंदर चली गई है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत इसका जो पूरा कांटा है। एक पीस तो उठा के दिखाएं जरा हमें। अब ये देखिए प्रॉपरली डन है। अच्छा, जो उनके साइड आइटम्स भी हैं, बेशक वो मेन आइटम नहीं है, लेकिन उनमें भी फ्लेवर्स प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हैं। बिल्कुल कोई कमी किसी चीज़ पे भी जो ना उन्होंने ये नहीं है कि ध्यान नहीं दिया या फिर किसी चीज़ में कसर छोड़ी है। हाँ, जैसे कि मैं कहूँगी आलू बुखारे की चटनी, बेसिकली इट्स इन साउथ इंडियन चटनी, और इसमें इन्होंने चार मगज, बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है नौरतन चटनी का, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। लग नहीं रहा कि ये हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी हैविंग दिस। अच्छा, मुझे बताइए आपको सबसे मजे की क्या चीज़ लगी? अच्छा, ये किसी एक चीज़ के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल होगा, मतलब हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से ज़्यादा मज़े की आ रही थी, लेकिन अगर फिर भी वही कई एक चीज़ अगर मुझे सिलेक्ट करनी पड़े कि ये सबसे बेस्ट थी, तो मैं कहूँगा कि ये रेशमी कबाब और उसके साथ जो चिकन टिक्का था, ओके, आउट क्लास था, मतलब लेवल कर गया। 10 आउट ऑफ 10 मैं 10 आउट ऑफ 10। नुमान, आप बताएं आपको सबसे मज़े का क्या लगा? मुझे सबसे पहले स्टार्टर आया, स्टार्टर में सूप जो है बहुत फिट था, और जबकि हमें सबको थोड़ा सा ठंड फील हो रहा था, और सूप पी के एक एनर्जी आ गई है, हम फ्रेश हो गए हैं। उसके बाद भूख बढ़ गई है हमारी, जैसे ही भूख बढ़ी है तो बारबेक्यू ने एंट्री जो मारी है ना धुआंधार, वो क्या थी, और इतना टेंडर और जूसी था, ऊपर से क्रिस्पी, जैसा कि सलमान भाई ने बताया कि क्रिस्पी होना चाहिए, वैसा ही ठीक है। तो उसके बाद वो जो मैंने बाइट लिया प्लम चटनी के साथ, और ये रायता, इसका कम्बिनेशन, और वो जो इन्होंने ऑनियन लगाए हुए थे साथ, और उसने मज़ा दुबाला कर दिया। अरे वाह। उसके बाद फिर हमारी मेन कोर्स ने एंट्री मारी, और क्योंकि मैं मटन लवर हूँ, और बिया देसी और जिंदा दिल लाहौर, और ये मटन ना खाएं, कढ़ाई ना खाएं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब नान आया तो मैं सोच रहा था कि सेपरेट नान आएगा, लेकिन उन्होंने एक ही नान को बड़ा करके वो सब गार्लिक वाला, कलवंजी वाला और मसालेदार, और ये उन्होंने एंट्री मारी है, और हमारा देखने में भी दिल खुश हुआ और खाने में भी हर चीज़ ज़बरदस्त थी, परफेक्ट थी और लेवल था। आपको सबसे मज़े का क्या लगा ज़ारा? सब चीज़ ही अपनी जगह बिल्कुल उसके ओरिजिनल फॉर्म में थी जैसी होनी चाहिए। स्पाइसेस वाज इक्वली परफेक्टली डन, मैरिनेशन, टेंडरनेस, अरोमा, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वाज ट्रेमेंडस। और जो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें सिर्फ मेन कोर्सेज नहीं बल्कि साइडलाइंस भी बहुत डिफाइंड मिली। बाकी में सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज सुपर्ब। सो द कराची गर्ल हैज मतलब 100 and 200% mark, I guess. Yes, it's superb. Experience was excellent. Haveli restaurant has won you over. Yes, definitely, because I never had this kind of food. जो इसकी एक खास जो हम मुझे 2-3 चीजों ने बिल्कुल वो किया। एक तो आलू बुखारे की चटनी that we can not have anywhere, and the other thing is that 4-in-1 naan, yeah. And this thing which is served with that flame. कि हम इस मौसम में रूफ टॉप के ऊपर वही वार्मथ के साथ सब कुछ एंजॉय हम बिल्कुल खाना ठंडा दैट वाज टॉप ऑफ ऑल। यस यस एब्सोल्युटली। और हफ्सा फिर आपको क्या सबसे मजे का लगा? सबसे बेहतर स्टार्टर पे आते हैं तो वो प्रॉन्स क्रिस्पी, स्पाइस जो उसमें था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, सूप बहुत मजे का था, अंदर को सुकून मिल गया। और अब जो इसकी बात करते मेरे तो मैं हैरान हुई इस नान पे, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा नान। नान ने सबका दिल जीता है यहाँ पे। हाँ, और मेरा तो रेशमी कबाब मैंने सही ऑर्डर किया था। रेशमी कबाब बहुत मजे का, बहुत मैं सेटिस्फाई हो गई उस चीज़ से। और राजस्थानी जो है हांडी, ये भी राजस्थानी हांडी बहुत मजे की है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगी। लेकिन ये रेशमी कबाब और मलाई बोटी जिस तरह वो टूटी है, नरम नरम बिल्कुल सुपर। आपने हम सबसे तो पूछ लिया, आप तो अस्का बताएं आपको क्या अच्छा लगा? सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी? शुरू से बात करते हैं। सूप and prawns. Soup was very hearty, very warming. और अगर मैं मेन्स की बात करूँ, मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगा। मुझे मलाई बोटी घुल के हाथ में आ गई, मुंह में घुल गई, मज़ा आ गया। और यानी कि वो नहीं है कि बुरा वाला घुलना, अच्छा वाला घुलना, कि सॉफ्ट इतनी थी, इतनी टेंडर थी, इतनी जूसी थी। It was literally breaking like this in my hand. And thank you so much for joining us, Hafsa, Zara, Noman, Salman. Pleasure is all ours. You're welcome. Thank you.